अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरत मुमतहिन्ना के बारे में पढ़ेंगे। सूरत मुमतहिन्ना जो है ये कुरान मजीद की 60वीं सूरत है। इसमें कुल आयात की तादाद 13 और रकुआत दो रकुआत हैं, दो रकू हैं। और ये कुरान मजीद के 28वें पारे में है। मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और इसका नाम जो है आयात 10वीं आयात से लिया गया है। इस आयत मुबारक में ये हुक्म दिया है कि जो औरतें मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आएँ उनकी जांच परख कर ली जाए। मुमतहिन्ना का जो मैनी है वो जांच परख वाली की है। तो अब नेक्स्ट इसके मशक करते हैं। इसके बा मुहावरा तर्जमा नहीं है और ना ही आपने इसके अल्फाज मैनी याद करने हैं। मशक में पहला एमसीक्यू है कि सुलह हुदैबिया के बाद हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाई हज़रत उम्मे कुलसूम। मुमतहिन्ना का मैनी है जांच परख वाली। अलिफ जुज सूरत मुमतहिन्ना के आगाज मुसलमानों को मना किया गया है कुफार से दोस्ती करने से। अलिफ जुज कुफार के साथ तल्लुकात के हवाले से कुरान मजीद में नमूना पेश किया गया बेजुज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसे कुफार से तल्लुकात रखने की इजाज़त दी गई जो मुसलमानों को तकलीफ़ ना दें। जीम जुज इसके बाद इसके मुख्तसर 5 सवालात हैं वो करते हैं। हजूर सल्लम ने औरतों से किन अमूर पर बेयत ली? कौन सी बातें थीं जिन पर बेयत लेते थे आप सल्लम जब मक्का से मदीना औरतें मुसलमान हो के आती थीं? तो ये बिल्कुल इसके जो लास्ट में है ये सफ़ा नंबर 145 145 फितने से बचने की दुआ के बिल्कुल ऊपर है कि जिन बातों पे बेयत लेने का हुक्म दिया गया या लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर एक कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी। नंबर दो चोरी नहीं करेंगी। नंबर तीन बदकारी नहीं करेंगी। नंबर चार अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी। नंबर पाँच किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगी। नंबर छः नेकी के कामों में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। तो ये 6 पॉइंट्स आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेने हैं कि दोबारा एक दफ़ा सुन लें। नंबर एक कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगी और नेकी के हुक्म में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। तो ये बैत इन बातों पर आप सल्लम जो है औरतों से लेते थे। सवाल नंबर दो मुख्तसर तारफ़ तहरीर करें। तो तारफ़ हमने पहले शुरू शुरू में हमने पढ़ा था, दोबारा भी इसके पॉइंट्स आप देख लें कि तारफ़ में आपने कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं। क्योंकि ये कुरान मजीद सूरत मुमतहिन्ना कुरान मजीद की 60वीं सूरत है और ये पारा नंबर 28 में है। इसमें कुल आयात 13 हैं और रुकू 2 हैं। मुमतहिन्ना का मैनी जो है जाँच परख वाली की हैं। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई तो इसका नाम जो है इसकी 10वीं आयात से लिया गया है। तो ये आपने लिख लेनी है, 3 लाइनें जो है इसकी कर लें। इसके बाद सवाल नंबर 3 मरकज़ी मज़मून तहरीर करें। जो बिल्कुल लिखा हुआ है मरकज़ी मज़मून हेडलाइन के साथ वही आपने मरकज़ी मौजू जो लिखा हुआ है यही आपने मज़मून लिखना है कि सूरतुल मुमतहिन्ना में ऐसे कुफार से दोस्ती और ज़ाती ताल्लुकात की गर्ज़ से रवाबत रखने की ममानियत बयान की गई है यानी कि मना किया गया है जो इस्लाम दुश्मनी में पेश पेश रहते थे। तो ये आपने लिखना है। इसके बाद सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 4 है कि सूरत मुमतहिन्ना का शान नज़ूल तहरीर करें और इसका शान नज़ूल क्या है कि ये क्यों नाजिल हुई और इसके नाजिल होने की जो बेसिक वजह थी वो क्या थी। तो ये आपने जो है लिखना है। शान नज़ूल इसका ये तारफ के बाद ये दूसरा जो पैरा है ये आपने इसमें से बनाना है। आपको मैं बता दूँ ये सूरत इसलिए नाजिल हुई कि सुलह हुदैबिया जो था उसमें ये माहदा हुआ था आप सल्लम मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान जिसमें आप सल्लम ने तस्लीम किया था कि जो भी जो है मक्का से मदीना आएगा तो उसे वापस किया जाएगा ख्वाह मुसलमान ही क्यों ना हो।
तो इसमें दौरान जो है काफ़ी मोमिन औरतें आती थी हिजरत करके मक्का मुकरमा से। तो इनमें हज़रत उम्मे कलसूम बिनत उकबा इब्न अबी मोईत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनमें से थीं जो इस मुद्दत में जो है आप सल्लम के पास हाज़िर हुईं। उस वक्त वो नौजवान थीं, उनके घर वाले नबी करीम की खिदमत में हाज़िर हुए और आप से मुतालबा किया कि उन्हें वापस कर दें। इस पर जो है अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों के बारे में ये आयत और या ये सूरत नाजिल फरमाई जो सुलह हुदैबिया की शर्त के मुनासिब थी। तो इसमें फिर अल्लाह ताला ने इस सूरत में कहा फरमाया कि जो भी मोमिन औरतें हैं तो उनकी परख कर लें, जांच लें, अगर वो पक्की मोमिन हैं तो फिर उनको वापस ना किया जाए। तो इस हवाले से ये सूरत नाजिल हुई। इसके बाद सूरतुल मुमतना में कुफार की किन दो गिरोहों का जिक्र है, ये सवाल नंबर 5 है कि कौन से दो गिरोहों का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट इसका सफ़ा है सफ़ा नंबर 145 के बिल्कुल शुरू में जो है ये इस सूरत मुबारक में अल्लाह ताला ने कुफार को दो गिरोह में तकसीम फरमाया। अब कौन कौन से दो गिरोह का जिक्र है? एक वो गिरोह था जिसने ना मुसलमानों से लड़ाई नहीं करते थे और ना ही उन्हें घरों से निकाला, एक वो गिरोह, उनसे दोस्ती करने और तल्लुक रखने की इजाज़त दी गई थी। जबकि दूसरा गिरोह वो था जो मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादतियाँ करते थे और लड़ाइयाँ करते थे, तो उनसे दोस्ती करने से मना किया गया था। तो ये दो गिरोह थे जिनका जिक्र सूरत मुमतहना में किया गया है। तो ये इस तरह हमारी सूरत कंप्लीट हो गई। मज़ीद सूरतों की वीडियोस इस सूरत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं, तो आप विज़िट करें और देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।